उत्तर कोरिया ने एक ऐसा ब्लास्ट कर दिया है जिससे सुपर पावर अमेरिका और उसके कई सहयोगी देश भी दहल गए हैं। उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक दो बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। अब सवाल यही है कि इस परीक्षण के पीछे क्या किम जोंग का परमाणु प्लान है? उत्तर कोरिया ने एक साथ दो बैलिस्टिक मिसाइलों का विस्फोट किया और इसी के साथ किम जोंग ने अमेरिका के खिलाफ पूर्वी एशिया फ्रंट खोल दिया। उत्तर कोरिया ने सुबह सुबह दो बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने जो मिसाइलें फायर की वो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर गिरी। उत्तर कोरिया ने जिन दो मिसाइलों का टेस्ट किया है उनका नाम क्या है, रेंज और खासियत क्या है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन किम के इस धमाके से जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका दहल गए। सवाल यही है कि आखिर किम जोंग ने दो बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण क्यों किया? क्या किम जोंग परमाणु मिसाइलों का परीक्षण करने जा रहा है या दक्षिण कोरिया पर हमला कर अमेरिका के खिलाफ नया फ्रंट खोलने जा रहा है? दरअसल किम जोंग ने दो दिन पहले ही अपने वैज्ञानिकों को परमाणु हथियार का जखीरा बढ़ाने का आदेश दिया था। माना जा रहा है कि किम के इस आदेश के बाद उत्तर कोरिया एटमी मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक किम अपने एटमी हथियारों का जखीरा पुतिन के कहने पर बढ़ा रहा है। असल में रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान मिलकर अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं। किम का ये कदम इसी दिशा में बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।